संजय भुर्रेवाल प्रभाग 9 बीएसपी से नगर सेवक। प्रभाग 9 में मैंने स्लम एरिया में ज्यादा विकास कर रहा हूँ। गटर लाइनों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हमारे इधर से ट्रंक लाइन आती है उसकी सबसे बड़ी अभी भी प्रॉब्लम है। प्रशासन को बोला हूँ मैंने, उसके बाद में भी उस पर कुछ ध्यान दे नहीं रहे हो। मुख्य समस्या तो ट्रंक लाइन की पूरी, स्लम एरिया की भी बहुत सारी समस्या, भी चिल्लर बहुत से सारे हमने काम निपटाए हुए हैं स्लम एरिया में। वैसे तो अपना गड्डी गोदाम वगैरह में भी है, खलासी लेन में है, जो अपन समस्या भी निपटा, कुछ अपन ने मुन्ने साहब के समय में अपन ने करे भी थे, कुछ फाइल अपने है भी, पैसा नहीं रहने की वजह से काम वो रुका हुआ है। फर्स्ट तो ये कि जो अपना शक्ति नाला है जो सबसे बड़ा, वो टाटा ने बनाया था, 100 साल के ऊपर हो गया। ये सारी चीज अगर शक्ति नाला अगर बन जाता है तो बहुत सी सारी हमारी समस्या स्लम एरिया की हल हो सकती है। उसके लिए हमने पहले इसमें रखे भी थे 50 लाख रुपए, टेंडर हुआ है उसका, और उसके बाद में मुंडे साहब आए थे, उस समय से फाइल वो रुकी हुई है। 4 साल में वो तो डिटेल अधिकारी बताएंगे, फिर भी मेरे ख्याल से 3 करोड़ का तो करे होंगे। प्रभाग 9 में वार्ड फंड में करे, अपना स्थायी समिति से लिए हुए, विधायक निधि से कुछ विकास, विधायक निधि से विकास सुधाकर राव जी देशमुख ने करे थे, उन्होंने अपने फंड से करे। ये सामने का रोड एक बनाए, पीछे का रोड एक बनाए उन्होंने, बहुत सारे किसके घर के अंदर में गटर लाइन है, चेंबर मारते हैं, किसी के घर के अंदर से हमको फोड़ के डालना पड़ा हुआ है जो लाइन के ऊपर में बैठा हुआ है। बहुत सारी ऐसी दिक्कतें आए, सामना आया, फिर भी हमने सामना करे उनका, और फिर भी बहुत सारी हमें समस्या स्लम एरिया की निपटाई। फंड तो अपन को समस्या बता करके अपन ने फंड लिए हुए और लाए हुए। कौन सी तकलीफ हुई आपको फंड लाते समय? कितने दिन लगते थे आपको? वो तो महीनों से लगते हुए, अभी फाइल बनाओ तो 3 महीना 2-3 महीना लगता ही था, टेंडर आते था कि 5 महीना लग जाता। क्या लगता आपको, सत्ता पक्ष ने आप विपक्ष के साथ भेदभाव करता है? भेदभाव तो है ही, बड़े मुश्किल से छीन छान के उनसे लाना पड़ता, उनको बताना पड़ता सारी समस्या ऐसी, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, स्लम एरिया है, ये सारी चीज बताने के बाद में फिर तब कहीं फंड अपने को मिलता। यूं तो सारी हमने OCW को बता के पहले साल में ही सारा पूरी की पूरी लाइन अपन ने बदल डाले। अभी 1-6 महीने हो गए, कोई शिकायत हमारे पास में है गंदे पानी की। 2022 में अभी चुनाव है जी, क्या आप इच्छुक हो? बिल्कुल इच्छुक है, बिल्कुल लड़ेंगे, पार्टी टिकट देंगे, लड़ेंगे। आपने काफी अच्छा विकास किया है इस खलासी लाइन में जी, जो विकास 20 साल में नहीं हुआ था वो 4 साल में किए हो जी, क्या बताऊंगे? और विकास करने की इच्छा है हमारी, अगर जनता देंगे हमको जीत कर खड़े हुए तो विकास तो अपने विकास के लिए से सर, जनता की सेवा करने के लिए बस। हम चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा पानी मिले, लाइट मिले, रोड मिले, सारी चीज व्यवस्था इस स्लम एरिया में होना चाहिए। बड़े आमदार वगैरह सब बड़े ही देखते हैं ना, गरीब लोग के तरफ में कोई ध्यान नहीं देता है। तो मेरा ज्यादा गरीब लोग के ऊपर में यह है कि उनका काम एक बार हो जाए, क्योंकि इधर कई नगर सेवक आए, नगर सेविका आए 20-25 साल में, इन्होंने ज्यादा कुछ करे ही नहीं। ये सारी चीज गटर लाइन के जो काम रहते थे अगर वो करे रहते हैं तो आज अपने को समस्या नहीं होती थी। सफाई तो होती है, क्योंकि सवेरे में खुद 1-2 घंटा घूमता हूँ। जो कचरा घर था जिसकी बात कर रहे हैं, कचरा घर तो पुराने 40 साल से नगर सेवक उसका बाजू में रहता था, उसने उठाया नहीं था आज तक 40 साल पुराना। अपन ने जीत कर आने के 3 महीने में उसको उठा दिया। 3,000-4,000 बच्चे लोग पढ़ते वहां से, लोग उधर पे लोग मुंह पे कपड़ा किपड़ा बांध करके जाना जूना, वो अपन ने लगभग तो अपने इधर के सारे हो गए, कचरा घर उड़ गए। अभी कुछ भी नहीं बचे, 1-2 मुश्किल से होंगे, तो ना तो 7-8 कचरा घर थे हमारे इधर। महानगर पालिका के स्कूल थे, उसको लोगों ने तबेला बना दिए थे। अभी महापौर जी का प्रस्ताव था उसका हॉस्पिटल का, तो अभी हमने उसको दिए हुए है, उसका सर्वे वगैरह हो गया है सारा, अभी उस पर काम चलूंगा। जेई वगैरह ने रिपोर्ट बना करके अभी महापौर जी को दिए। कौन सी स्कूल है वो? लांजेवार स्कूल है, गड्डी गोदाम की। जनता को विकास के संदेश देंगे कि हम विकास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अगर आप 2022 में और लाते हैं हमको तो हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे, क्योंकि मुझे अपने घर से चटनी रोटी मिल जाती है,
हम उसमें खुश हैं। हमको सिर्फ जनता की सेवा करनी है, जो भी प्रॉब्लम रहेगा कभी भी रहेगा, रात बेरात कभी, तो उसके लिए पहले अपन सामने खड़े रहेंगे।